आपके लिए भी यही है कि आप भी बहुत कम प्रोग्राम्स में जाते हैं, अनलाइक मीडिया पर्सन हैं, और आपको कैसा लगा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनके? मैं तो जब यहाँ आया तो ये हुआ कि मेरे वो बहुत सारे दोस्त जिनको लाहौर में रहते हुए मैं 20 साल और 15 साल जिनसे मुलाकात नहीं हुई, तो यहाँ आया तो शाह जी ने वो सब लोग बुलाए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जो तकरीबात होती हैं जिसमें हम इस मसरूफ़ दौर में हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, तो इस पे बहुत जो है अहमद शाह साहब का बहुत जो है वो एक क्रेडिट है और बहुत बड़ा काम है। नहीं, आपकी मकबूलियत तो वैसे भी आपके लिखने से, आपकी किताबों से, आपके ड्रामों से इतनी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि हॉल में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग तो शायद आपको पहचाने भी नहीं, क्योंकि आप कभी शोबिस में उस तरीके से होते हुए भी कभी ऑन स्क्रीन अपने आप को दूर रखते हैं ऑन स्क्रीन होने से। तो आज आपको इतने सारे लोगों में, जब से आप दोपहर से आए हुए हैं, लोगों से मुलाकात करके पब्लिक प्रेजेंस में, खुद कैसा आप फील कर रहे हैं? मेरा तो ये हाल है कि मैं पहली दफ़ा जब टीवी पे गया तो मेरा ड्रामा जो था, मैंने स्क्रिप्ट दिया था, यावर हयात साहब ने रिकॉर्ड करना था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने राइटर से डिस्कस करना है, तो मैं गया तो उन्होंने कहा मुझे देख कर कि चंद जी आपके अब्बा जी नहीं आए। अच्छा, तो मुझे अक्सर होता है कि तकरीब मेरे आजाज में हो रही है, मुझे वो एंटर नहीं होने देते। अच्छा, मतलब वही वाली बात कि किसी को भी आपका अंदाज़ा नहीं है, शक्ल से बहुत कम पहचान। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि पैदाइश आपकी रंजीत सिंह चौहान, रंजीत सिंह साहब के शहर से, पहलवानों का शहर, और एक पहलवान, फिर उसके बाद उनकी सारी चीज़ें, तो आपको ये जो लिखने का सिलसिला हुआ गुजरांवाला से, जो आपका सिलसिला शुरू हुआ, ये आपने किस तरीके से अपने लिए ये रास्ता चुना, या कलम ने आपको चुना? अच्छा, गुजरांवाला ऐसा शहर है कि वहाँ बंदा एक दफ़ा पैदा हो जाए तो एक तो उसे बट होने से कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा उसे पहलवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं राइटर तो बनना नहीं चाहता था, मैं पहलवान बनना चाहता था, तो मैं अखाड़े गया कि पहलवानी सीख सकूं, तो जो उस्ताद पहलवान था उसने मुझे देखा और उसने कहा तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम रोज़ाना दो कुश्तियां देख लिया करो। वाह 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 ना। तो पहलवान बनने की जो ख्वाहिश थी वो तो दिल में रही, तो हमने सोचा कि फिर पहलवानी वाला काम जो है हम कलम से लेते हैं, सो लिखना पढ़ना शुरू किया। आपकी माशाल्लाह 30 से ज़्यादा तसानीफ आ चुकी हैं, और आप उससे पहले लेकिन कॉलम लिखते थे या किताब आपकी पहले आई? मैंने जो शुरू लिखना शुरू किया वो तो मैंने बुनियादी तौर पे अपने लिए लिखना शुरू किया। बचपन से ही मुझे जो था, मैं रोता नहीं था, तो जब भी डांट पड़ती या मैं किसी को देखता उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उस लिखना शुरू कर देता, और जब लिख के अपना लिखा हुआ फाड़ता तो मुझे लगता मैंने काफ़ी रो लिया है। सो मैंने बचपन में ही अपने रोने का काम लिखने से शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि रोना तो बहुत हो गया है तो कुछ हंसाया जाए लोगों को, उसमें होता है कि बंदा खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है, बल्कि मेरा जो मजाक की तरफ आने का जो है वो भी एक दिलचस्प वाक्या है कि हल्का अदब लाहौर का, वहाँ दोस्तों ने मुझे कह दिया कि आप भी कोई अपनी तहरीर पढ़ो, तो मैं अपनी तरफ से एक संजीदा तहरीर दर्द पे लिख के ले गया। अब अंजुम रवानी साहब उसकी सदारत कर रहे थे, तो मैं वो पढ़ रहा था तो सभी लोग हंस रहे थे और मैं समझ रहा था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं तहरीर ख़त्म करते ही उठ के भागने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर मज़ा लिखने की एक नेचुरल एबिलिटी है,
तो तुम मजाक क्यों नहीं लिखते? तो इसके बीच में ये मेडिकल कहाँ से आ गया फिर? ये वो मेडिकल कॉलेज आप शुरू कर चुके थे या जाने वाले थे? ये वक्त कौन सा है? नहीं, डॉक्टरी जो थी वो तो इसलिए की थी कि डॉक्टरी के बगैर शादी नहीं होती थी। अच्छा, सिर्फ एक वाहिद वजह डॉक्टरी करने की शादी करना? ये वाहिद वजह, शादी होते ही मैंने डॉक्टरी छोड़ दी। अच्छा, और आप तो डॉक्टरी के साथ साथ मियो हॉस्पिटल भी रहे, सर्जरी की तरफ भी रहे, वो सारी चीज़ें भी होती रहीं और साथ साथ ही फिर आप कॉलम भी चलता रहा? लिखना पढ़ना जो था वो तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था, लिखना पढ़ा चलता रहा। मैं सर्जरी में हाउस जॉब किया तो उसके बाद जो सर्जरी की प्रोफेसर थी प्रोफेसर खालदा उस्मानी, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया साइकेट्री डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैं ये समझा कि शायद मेरी ट्रीटमेंट के लिए किया है। वहाँ जाके पता लगा कि नहीं, वो चाह रही, वो कह रही थी कि तुम्हारा टेम्परामेंट इतना अच्छा है कि तुम साइकेट्री में ज्वाइन करो। और साइकेट्री वो वार्ड है कि जहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो ओवरऑल नहीं पहनते, सो वहाँ पता नहीं चलता डॉक्टर कौन है और मरीज़ कौन है। क्या बात। और मैं भी साल दो साल वहाँ काम किया, लोगों को पता नहीं चलने दिया कि मैं डॉक्टर हूँ कि मरीज। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, तो आपने पहले पढ़ा अदब को फिर लिखा या पहले आप लिख गए? नहीं, मैंने लिखना पहले ही शुरू कर दिया। अच्छा, पहले लिखना शुरू कर दिया। तो बाद में दो किताबों के बाद किसी ने मुझे कहा कि भाई जो है कुछ पढ़ भी लो। तो फिर मैंने जो है तमाम मज़ा नगारों को पढ़ा। जी, तो उसमें आपने फिर किसको इंस्पिरेशन हो जाती है? अहद यूसफी कहते हैं कि हम उसमें अहद में ज़िंदा हैं, तो आपके पास भी वो चीज़ फिर नज़र आई या आपको भी कुछ वो वक्त दौर लगा ऐसा? नहीं, शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो तो मैंने वजह बता दी कि उन्होंने कहा कि आप में एक नेचुरल एबिलिटी है। जी, मरीज़ भी कहते होते थे कि आपकी दवाई से ठीक होना हो आपकी बातों से फ़र्क पड़ता है। तो वो मेरे अंदर एक जो मज़ा लिखने की थी एबिलिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो होता है बुरी से बुरी बात करने का भी एक अच्छा सलीका होता है, एक अच्छा तरीका होता है। और मज़ा जो है ये एक ऐसी फॉर्म है कि आप सख्त से सख्त बात ऐसे करते हैं कि जिसके बारे में करते हैं वो तो बेचारा मुस्कराता ही है, लेकिन उसका मुखालफ खूब कह के लगाता है। सर, फिर उसके बाद का सिलसिला ये है कि किताबें आती रहीं और आपके कॉलम्स छपते रहे। फिर वो एक मौका लगा कि फैमिली फ्रेंड के नाम से जी एक टीवी के लिए आपका पहली प्रेजेंस हुई और 5 साल तक फैमिली फ्रेंड चलता रहा और सक्सेस स्टोरी है फैमिली फ्रेंड। तो फिर फैमिली फ्रेंड के फौरन बाद एक नया इनकलाब रूनमा हुआ जो कि हम सब उम्मीद से हैं। तो ये हम सब उम्मीद से का टाइटल सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, ये कैसे आपके जहन में आया? असल में जब जियो टीवी शुरू हुआ तो उस वक्त जो है इलेक्शंस भी आ गए, तो सोचा गया कि कोई इलेक्शन के लिए खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। तो हमने सिर्फ 5 प्रोग्राम्स जो है वो इसके सोचे थे, और हमने ये नाम इसलिए रखा था कि जो सियासतदान हैं सारे वो जीत की उम्मीद से हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो फिर इतना प्रोग्राम पॉपुलर हुआ 15 साल कि वो फिर 15 साल चलता रहा। 15 साल ये वो प्रोग्राम है, मैं बताना चाहूँगा, जो स्क्रिप्टेड रिकॉर्ड है कि स्क्रिप्टेड कोई प्रोग्राम 15 साल तक ऑन एयर नहीं हुआ जो हम सब उम्मीद से हुआ। मतलब हमारे यहाँ कह सकते हैं जी, दुनिया में तो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। तो उसी वजह से फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ कि उसी वक्त आपकी मकबूलियत इतनी हुई कि फिर आपको हिंदुस्तान से भी ऑफर हुई और आपने फिर उनके लिए भी कुछ प्लान किया कि वहाँ पे भी आपसे लिखवाने के लिए उन्होंने बुलाया आपको, आपके साथ काम किया। भी कुछ जो है कॉन्फ्रेंसेज हुई वहाँ, हम कुछ कॉमेडी के लिए गए, तलकात उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के ठीक थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग जो हैं इंडिया वाले ये वो सभी लोग आ जाते थे। उस वक्त कपिल शर्मा शो शुरू हो रहा था, हो चुका हुआ था, मैड टीवी के नाम से स्टार प्लस पे था, तो वो सभी लोग आ जाते थे हमारे पास और सारा दिन मजाक के बारे में पूछते रहते थे। तो उस वक्त आसिफ रजा मीर साहब मेरे साथ गए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आसिफ साहब 1 साल के बाद इन्होंने हमें पूछना भी नहीं है। सही बात है कि वो बड़ी जल्दी तेज़ी से लर्न करते हैं, और जो है वो उनकी इंडस्ट्री चूँकि बड़ी है तो क्योंकि कहानी और स्क्रिप्ट तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, लेकिन वो बड़ी जल्दी जो है तो वो सीख लेते हैं। आपने हम सब उम्मीद से है में नई नई चीज़ें मुतारिफ कराई और उसमें ख़ास तौर पे काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसके अंदर पैरोडीज़ हुआ करती थी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की,
तो जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले वाले सेशन में भी बात होती रही, तो आपको भी कहीं कोई इस कस्म की पैरोडी में किसी सियासतदान की तरफ से कोई धमकी वमकी वाले सीन, कोई ऐसी बातें आपके कैरियर में भी आई, कुछ हुआ? देखिए जो है शाह जी, मोहब्बत भरे फ़ोन तो नहीं आए, मजाइया फ़ोन ही आए। और जो है उसमें जब पहले 5 प्रोग्राम हमने किए तो वो हम कराची में कर रहे थे, तो जब रिकॉर्डिंग हुई उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे उनका भी एक करेक्टर था। अच्छा। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो जो एक्टर जो है वो अल्ताफ़ साहब का रोल कर रहा था, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उसने कहा मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, टोन टेम्पो बना लेंगे, डायलॉग्स हैं, किसी और एक्टर को ले लिया। तो उसके बाद क्रू का एक बंदा, उसने कहा मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। हमने कहा कि चलो उसको भी हैंडल कर लेते हैं, तो फिर हमारे डायरेक्टर की वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर पहली दफ़ा जब अल्ताफ़ भाई जो है, फिर मैं जब लाहौर लेके गया प्रोग्राम, तो पहली दफ़ा जो मेरा स्किट उन पे था वो बड़ा हिट हुआ। तो पहली दफ़ा उनको लेके आए हम समेत से हमें, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उस पर ज़रा एतराज़ किया, तो मैंने कहा अल्ताफ़ भाई ये मैंने नहीं बनाया, आपका ओरिजिनल स्किट लगाया है। वो सारे प्रोग्राम में से सबसे बनी वही था। उसके अलावा हमने जो है तालिबान एक सेगमेंट शुरू किया, उसका था नाम के तालिबान अगर टीवी बनाए तो वो टीवी कैसा होगा। तो उसके मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग की हमने झलकियाँ रखी हुई थी, जैसे उसमें था कि अगर मौसीके का प्रोग्राम है तो उसमें अनाउंसमेंट होती है कि अब सुने हदीका क्यानी से नगमा, तो एक खातून बुरके में आती है, आके बैठ के मर्दाना आवाज़ में गाना शुरू कर देती है। पीछे वॉइस ओवर चल रही थी कि चूँकि जो है गैर महरम से आवाज़ का पर्दा है, इसलिए ये मर्दाना आवाज़ में गा रही है। और मोहब्बत किसने दिखाई सियासतदानों में पैरोडीज़ के मामले में? ये तो धमकी वाली बात आपने बताई, उसमें मोहब्बत किसने फरमाई जिसको बहुत अच्छा लगा अपनी पैरोडी आपके शो में होती हुई? असल में जो है मैं हमेशा ये रखता था कि जो कोई बात सियासतदान करता था उस पे कॉमेडी बनाता था। मैंने उनकी शख्सियात जो थी उन पे कोई कभी ऐसा नहीं किया कि उनके इज्जत व एहतराम में कोई फ़र्क आए। इसलिए एक स्टेज ऐसी भी आ गई थी कि ये खुद मुझे फ़ोन करते थे कि यार हम सब इससे हमें हम नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, पॉपुलैरिटी का ये। लेकिन उसमें फिर भी किसी की तरफ से तो ऐसा हुआ होगा, जिस तरीके से एक आपने यहाँ बताया कि इस तरीके से प्रोग्राम ही शिफ्ट हुआ लाहौर, या वो मकास कुछ और भी कुछ ऐसे होते थे लोग, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब जो थे। अच्छा। उनको इतराज़ था। अच्छा। तो जब मेरी उनसे बात हुई जी, तो उनको दरअसल जब सियासतदान को यकीन हो जाता है ना कि ये किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहा जी, तो फिर जो है वो इतना उनमें ज़र्फ होता है वो कबूल कर ले। सर, मुस्तकिल 15 साल तक एक ही प्रोग्राम करना, कहीं ड्राइनेस नहीं आ जाती, कहीं उकताहट, कहीं कोई वक्त, क्योंकि कॉलम भी चल रहा हो, किताब भी चल रही हो, आपका मुस्तकिल ये प्रोग्राम भी चल रहा हो, वाकयात भी वही हैं, तो कहीं आपने अपने अंदर ये महसूस किया? मैंने जो है वो मीर शकील साहब को 11वें साल ही कहना शुरू कर दिया था, 11वें साल। मीर साहब मुझे लगा है, लग रहा है कि ये प्रोग्राम मुझे बीवी लगने लग पड़ा है। तो इसमें जो है मुझे थोड़ा सा मैं एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर 15 साल बाद उन्होंने मेरी बात मानी। तो इसके दरमियान किताबें भी चलती रहीं, किताबें भी आती रहीं इस 15 साल में, या वो 15 साल का सिर्फ वक्फा फिर आपने पूरा का पूरा सिर्फ हम सब उम्मीद है को दिया? नहीं नहीं, हम सब उम्मीद से हैं एक ऐसा प्रोग्राम था कि शाह जी तो वहाँ आए थे मेरे ऑफिस में, क्योंकि वो करंट इशूज़ पर होता था, तो वो 24 घंटे जो थे वो हम उसी में ही लगे रहते थे। सही है। और वो उसकी प्रोडक्शन देखना, उसके जो है, चूँकि उसमें एक्टर्स जो थे वो नॉन एक्टर्स नहीं होते थे, हाँ ये बात लोग होते थे, जी जी। उनकी तलाश भी करना, फिर उनको एक्टिंग सिखाना, एडिटिंग सिखाना। ये क्या बात है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद कॉमेडी एक्टर्स के साथ उस तरीके से उस सेगमेंट पर के पूरे 15 साल में उस तरीके से काम नहीं किया, आपने लोग बनाए, आपने नए लोगों के साथ काम किया, हालांकि उस वक्त बहुत सारे बड़े मशहूर एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद थे जो कि फ़न में और
मिजाह में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इसकी कोई ख़ास वजह, इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी थी आपकी? मैं समझता हूँ कि जो राइटर होता है, अगर कोई तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम है तो हंसाना जो है वो राइटर की ज़िम्मेदारी है, तो उसके लिए आपको परफॉर्मर्स चाहिए होते हैं, आपको कॉमेडियंस नहीं चाहिए। कॉमेडियंस अगर चाहिए तो फिर आप राइटर नाकाम है फिर, अगर वो कॉमेडियन ले रहा है। क्या बात सर, ये इतना सफ़र जो सिलसिला शुरू हुआ, तो ज़ाहिर है इसमें कोई भी तो ऐसा होना भी चाहिए जो आज आपको सारे एहतराम से, इज्जत से, वो दोस्त, वो थड़े के दोस्त, वो गुजरांवाला के वो दोस्त, आज भी डॉक्टर यूनुस भट्ट को मिस करते हैं या डॉक्टर यूनुस भट्ट उनके लिए अभी भी यूनुस भट्ट है? असल में होता यह है कि हम अपनी जो कामयाबी होती है ना उसको इतना सवार कर लेते हैं कि हम अपने जो दोस्त हैं उनको एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि तुम नाकाम हो। क्या बात, इसलिए वो आपसे थोड़े से फासले पे हो जाते हैं। क्या बात है, जब आप उनकी अपनी कामयाबी जो है उसको उनका उनको भी उसका हिस्सा बनाते हैं और अपने ऊपर सवार नहीं करते, क्योंकि आपकी कामयाबी जो है आपके दोस्तों की नाकामी नहीं है। क्या बात है, तो इसलिए फिर वो आपके, लेकिन इसको बैलेंस करके चलना हर एक के बस की बात नहीं होती, इसको बैलेंस करके चलना हर एक की बस की बात नहीं होती, क्योंकि एकदम से शोहरत का नशा, क्योंकि आपने अपने आप को कैमरे से बड़ा दूर रखा, आपने अपने आप को उस तरीके से अदब की तरफ ज़्यादा रखा शो बिजनेस से ज़्यादा। देखिए ज़िंदगी जो है वो नाम ही बैलेंस का है, अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते तो फिर आप गिरते हैं। वाह क्या बात है सर, तो आप सबकी भरपूर तालियों में वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का हम शुक्रगुजार हैं, और ये जितने शानदार मजाक निगार हैं निजी ज़िंदगी में उससे भी अच्छे हैं। टीवी पे इन्होंने इसलिए आना शुरू किया कि भाभी ने इजाज़त नहीं दी कि तुम ज़्यादा टीवी पे आओ, स्मार्ट आदमी हैं, खूबसूरत आदमी हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं।